अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम ट्यूटर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9। पार्ट 9 में हमें बोला जा रहा है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। तो इससे पिछले जो हमने सवाल किए थे उसमें या तो दोनों सेट्स पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट गिवेन होते थे या तो होल कॉम्प्लीमेंट गिवेन था। यहाँ पर बोला जा रहा है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, मतलब ए सेट जो है वो सेम रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम करें, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा उसको सेट ए से माइनस करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मालूम करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फॉर्मूला है यू माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है सवाल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। माइनस कर लेंगे बी सेट, तो बी सेट हमारे पास गिवन है 1, 3, 5, 7 और 9। तो माइनस में सेम एलिमेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो 1, 3, 5, 7 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएंगे हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का हमने आंसर निकाल लिया है, तो लास्ट में हमने ए में से बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर माइनस करना है। तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। ए सेट हमारे पास गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया है 2, 4, 6, 8 और 10। तो 2, 4 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारे पास बचेगा 1, 3 और 5। सवाल आया ये 6, 8, 10 मैंने आंसर में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जिस वक्त हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो ऑपरेशंस जब इसके समझे थे तो हमने कहा था माइनस की प्रॉपर्टी है जो सेम एलिमेंट्स है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो पहले सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। यूनिवर्सल सेट में ये प्रॉपर्टी इसलिए नहीं अप्लाई होती क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो होल सेट होता है और दूसरा जो सेट होगा वो जाहिर सी बात है उसमें कम एलिमेंट्स होंगे, तो दूसरे सेट वाले सारे एलिमेंट्स ही कैंसिल हो जाते हैं जब हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं। पर जब इस तरीके की सिचुएशंस आ जाती है तो दूसरे सेट में अगर एलिमेंट्स बच जाते हैं तो जब हम माइनस करेंगे तो वो एलिमेंट्स आंसर में नहीं लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।